आप सबको राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट में कैसा स्कूटर अवेलेबल है, कैसे सेगमेंट के अंदर अवेलेबल है, कम से कम रेंज वाला, मतलब कम से कम बजट वाला और महंगे से महंगे वाला। तो इस रेस के अंदर जो हम मिडिल क्लास है वो फंस जाता है कि भैया ले तो ले कौन सी, क्योंकि अपडेटेड मॉडल आते रहते हैं। जैसे कि अभी A350S का जनरेशन 3 आया है, TVS iQube का ST वेरियंट आया है, और सिंपल वन के भी आने वाले हैं, क्योंकि डिलीवरी स्टार्ट अभी नहीं हुई है, टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास कंपनी कह रही है फिलहाल। तो लोग इन तीनों में कन्फ्यूज है कि भैया कौन सा बुक कराएं, ताकि उनको आगे चल के मेहनत ना करनी पड़े पेट्रोल के पैसे बचाने के लिए, इसीलिए और महंगाई से थोड़ा राहत मिल जाए। क्योंकि गवर्नमेंट तो ये कह रही है ना कि हम तो फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो उनको फ्री फंड का खाना ना लेना पड़े, इसीलिए पैसे बचेंगे, तभी तो बचत होगी, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो अगर आप लोग इनमें से कन्फ्यूज थे तो भाई ये वीडियो पूरी एंटर देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तीनों के बारे में बताऊँगा, आपको डिटेल में बताऊँगा कि किसके अंदर क्या क्या मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा आपको बुक कराना चाहिए अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे के अंदर, जिससे कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा बचेंगे। वैसे तो सिंपल वन ज़्यादा बेस्ट है फिलहाल अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि इसकी रेंज 300 किलोमीटर बता रही कंपनी, बाकी अभी तक ऑन रोड नहीं पता है इसीलिए। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले भैया जो आपको लाल वाला दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसे तोड़ दो, कबड्डी कर लो, कुश्ती कर लो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो मेहनत किया थोड़ा फल मिल जाए सब्सक्राइब करके, इसीलिए। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला स्कूटर है वो A350S जनरेशन 3। तो पहले तो बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन A350S की बैटरी की। कंपनी ने इस स्कूटर में इस बार पहले से ज़्यादा बड़ी और पावरफुल बैटरी दी है, जो दूसरी जनरेशन से कुल 25% बड़ी है। 450X जनरेशन 3 एक बड़े 3.7 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आती है, जो सबसे ज़्यादा रेंज देने का दावा करती है। इसके साथ ही इसको इको मोड के अंदर आप लोग 146 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हो, मतलब इतनी रेंज जाएगी इको मोड के अंदर। जबकि इस स्कूटर की ट्रू रेंज है इको मोड के अंदर वो 105 किलोमीटर तक की है। पहले के मुकाबले इसकी जो रेंज है 85 किलोमीटर तक बढ़ गई है। इसके बैटरी पैक के बड़े होने के साथ साथ इसके अंदर आपको एक बड़ा और चौड़ा रियर सेक्शन वाला टायर मिल जाता है, जो कि 100/80, जिसके साथ ही काफ़ी अच्छा ग्रिप देता है रोड पे। इसके साथ ही इसमें पीछे बैठने वाले लोगों के लिए एक नया साइड स्टेप मिलता है आपको, जो दोनों तरफ पैर रखने में काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट जन A350S के अंदर आपको 1 GB रैम की जगह 2 GB रैम मिलेगी और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा। इस स्कूटर में इस बार कई तरह के नए अपडेट मिले हैं। इसके साथ ही इसके अंदर 7 इंच का TFT डिस्प्ले भी दिया गया, जो कि इनपुट देने पर और तेज़ी से प्रोसेसिंग करता है, और तेज प्रोसेसिंग के लिए इसके अंदर 1 से 2 GB रैम का अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन A350S के अंदर आपको वॉइस कमांड का फीचर मिल जाता है, जो कि कई लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो। अगर राइडिंग मोड की बात की जाए तो इसके अंदर आपको टोटल 5 राइडिंग मोड मिलते हैं, जो कि इको, स्मार्ट इको, राइड, स्पोर्ट और रैप। और अगर कीमत की बात की जाए तो कीमत तो कंपनी थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि नई बैटरी डाली, मतलब बड़ी बैटरी डाली और काफ़ी सारे फीचर डाले, तो इसकी कीमत है वो 1,70,000 से लेकर 1,40,000 तक है। और इसकी जो प्राइस है दिल्ली के अंदर वो पहले के मुकाबले 1,000 रुपये ज़्यादा है, मतलब सिर्फ 1,000 रुपये दोगे तो आपको नेक्स्ट जनरेशन का A350X मिल जाएगा दिल्ली के अंदर। हालांकि जो प्राइस है दूसरे स्टेट में ज़्यादा या कम हो सकती है, ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर मैं पूरी कंट्री में बात करूँ कि कितनी प्राइस बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 1,000 से लेकर 7,000 रुपये तक। तो दूसरा स्कूटर है TVS iQube ST। जैसे कि मैंने आपको बताया कि TVS कंपनी ने आज मतलब 18 मई को अपनी iQube का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस उन्होंने रखी है वो रखी है 98,000 रुपये, जो कि ऑन रोड प्राइस है, और इस पर ऑब्वियसली बात आपको सब्सिडी मिलेगी। 2022 TVS iQube की खासियत की बात करूं तो इसके ST वेरिएंट की जो रेंज है वो 140 किलोमीटर तक की है, और इसके अंदर 32 लीटर का आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है। और जो नई TVS iQube आई है 2022 के अंदर, वो आपको 10 कल ऑप्शन में अवेलेबल होती है, मतलब ओला के बराबर ही आपको कल ऑप्शन मिल रहे हैं 10। और इसके 3 अलग अलग वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किए और सभी में अपनी अपनी अलग खूबियां हैं। और अगर मैं कॉमन फीचर की बात करूं इन तीनों स्कूटर की, तो इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म स्मार्ट एक्स कनेक्ट को नए स्कूटर के साथ स्टैंडर्ड तौर पर पेश किया गया है। iQube बेस में 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया गया आपको, और iQube S को HMI इंटरेक्शन के साथ 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है आपको, जबकि टॉप लाइन iQube ST के अंदर भी आपको 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, मगर वो डिस्प्ले टच स्क्रीन होता है। बाकी दोनों वेरिएंट के अंदर टच स्क्रीन नहीं है, बस ये टॉप वेरिएंट के अंदर ये टच स्क्रीन है। और अगर मैं तीनों वेरिएंट की कीमत की बात करूँ तो iQube की जो कीमत है स्टैंडर्ड वाले की वो 98,000 रुपये है, और ये प्राइस दिल्ली के अकॉर्डिंग है, और स्टैंडर्ड की प्राइस बेंगलुरु के अंदर है 1,11,000 रुपये के आसपास, जबकि S वेरिएंट की जो कीमत है वो है 1,08,000 रुपये दिल्ली में, और बेंगलुरु में जो इसकी प्राइस है वो 1,19,000 रुपये। और टॉप वेरिएंट की जो कीमत है मतलब ST वेरिएंट की, उसकी अभी तक प्राइस कंपनी ने नहीं बताई है, मगर आप लोग इसको बुक करा सकते हो सिर्फ 1,000 रुपये दे के। TVS iQube के न्यू जनरेशन के अंदर आपको 21,700 लियोन बैटरी मिलती है, जहाँ iQube के दोनों वेरिएंट में अलग अलग रेंज मिलती है। और कंपनी का कहना है कि TVS iQube के S वेरिएंट में आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है,
वही टीवीएस आईक्यूब एसटी वैन के अंदर आपको 140 किलोमीटर रेंज मिलती है। और इनकी बैटरी की खास बात यह है कि इसके अंदर जो लगी बैटरी है वो पूरी तरह से बीएमएस है, मतलब मेड इन इंडिया है। नई टीवीएस आईक्यूब 2022 के अंदर IP67 रेटेड और IP156 रेटेड बैटरी मिलती है आपको। और 2022 टीवीएस आईक्यूब जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और साथ इसके अंदर आपको चार्जर के लिए भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि 650 वोट, 950 वोट और 1.5 किलो वाट। ये तीनों अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, आप उस हिसाब से अपना चार्जर सेलेक्ट कर सकते हो, कहीं भी प्लग इन चार्ज कर सकते हो, ये भी ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है। तीसरा स्कूटर है सिंपल वन। सिंपल एनर्जी ने कहा था कि अपने स्कूटर का जून में डिलीवरी स्टार्ट कर देगी, मगर उसने डिलीवरी अभी पोस्टपोन कर दी है। मगर आप लोग इसकी बुकिंग करा सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाके, 1947 रुपये देखें, जो कि पूरी तरह से रिफंडेबल है। सिंपल वन आपको 4 कलर ऑप्शन मिलेगा, और इस स्कूटर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम आयन है, और सिंपल एनर्जी अपने सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी और चार्जर पर 3 साल की वारंटी दे रही है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ सिंपल वन की, तो सिंपल वन के अंदर रिमोट लोकेशन, डिजिटल डिस्प्ले के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन, और इसके अंदर आपको मोबाइल ऐप की फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे कि आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब ब्लूटूथ के थ्रू स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही इसके अंदर आपको वाईफाई, फास्ट चार्जिंग, लास्ट लोकेशन सेव करने के लिए फैसिलिटी दी हुई है, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, सिक्योरिटी के लिए जियो फेंसिंग, डिजिटल टच स्क्रीन के साथ कॉलर कनेक्ट। उसके साथ ही इसके अंदर आपका स्पीकर की फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे हो, लंबे जा रहे हो, तो आप लोग गाने सुन सकते हो। और सिंपल वन के अंदर आपको 30 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोग हेलमेट साथ कई सारे ज़रूरी सामान रख सकते हो। और इस स्कूटर के अंदर एक फीचर काफ़ी अच्छा है, जो कि है ब्राइटनेस लेवल को मैनेज करना। जैसे कि दिन में आप निकल रहे हो तो आपको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर दो, रात में कम चाहिए तो कम कर दो, जैसे कि आपके फ़ोन में होती है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ सिंपल वन की, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो 4500 वाट का पावर जनरेट करती है। इसके साथ ही इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 4.8 किलोवाट की है, और लिथियम बैटरी है। और ये स्कूटर 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है। और इसका जो ड्राइव सिस्टम है वो चेन ड्राइव सिस्टम है। अगर मैं फ्यूल और परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो फ्यूल तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसकी जो टॉप स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आवर की है, और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 236 किलोमीटर तक की है, मगर इसको आप लोग 300 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हो एडिशनल बैटरी लगा के। और ये स्कूटर 0 से 40 की स्पीड सिर्फ 2.9 सेकंड में ले लेता है। अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूँ, तो बैटरी चार्जिंग को लेके कंपनी कहती है कि 1 घंटे 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है, और ये दोनों जगह चार्ज हो सकती है, चार्जिंग स्टेशन पे और आपके घर पे, क्योंकि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर मैं इसकी वेट और कैपेसिटी की बात करूँ, तो इसका जो कार वेट है वो 110 किलोग्राम का है, और इसकी जो स्टोरेज स्पेस है वो 30 लीटर्स का है। अगर मैं इसके व्हील, टायर और ब्रेक की बात करूँ, तो इसके जो टायर है ट्यूबलेस है और अलॉय व्हील मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। और इसके फ्रंट और रियर व्हील का जो साइज है वो 304.8 मिलीमीटर का है, मतलब 12 इंच का है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात करूँ, तो इसके अंदर आपको सारी लाइटें LED मिल जाती है, चाहे हेडलाइट हो, चाहे टेल लाइट हो, चाहे टर्न सिग्नल लैंप हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो कि है ब्रेजन ब्लैक, नामा रेड, आजोर ब्लू और ग्रेस वाइट। इसकी जो प्राइस है वो 1,09,999 है, और इस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, जो कि सब्सिडी मिलने के बाद काफ़ी कम हो जाएगी। इसकी सब्सिडी आप लोग चेक कर सकते हैं अपने स्टेट में गवर्नमेंट के हिसाब से। तो अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको एथर लेना है, TVS लेना है या सिंपल वन लेना है, क्योंकि अब वीडियो देखने के बाद आपको पूरा पता चल गया कि किसके अंदर क्या चीज़ें मिल रही हैं, मतलब किसके अंदर क्या कम मिल रहा है और किसके अंदर क्या अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और किसका क्या बजट है। और मैं ये बता दूँ आपको तीनों पर सब्सिडी मिलेगी और कन्फर्म मिलेगी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह की सब्सिडी मिलेगी। टैक्स में भी रिबेट मिल जाएगी आपको और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, इसीलिए तो आप लोग बिंदास ले सकते हो अगर आप लोग लेना है तो। उनका बजट भी 1-1.5 लाख के आसपास का है, और सब्सिडी मिलने के बाद ये काफ़ी कम हो जाएगी इसीलिए। और TVS पे जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है, 51,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी मिलती है, 51,000 रुपये तक की, इसीलिए क्योंकि दिल्ली में जो ST की प्राइस है ऑन रोड वो 1,09,000 के आसपास पड़ती है आपको, इसीलिए। बाकी अगर आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर करते हो या बुक कराते हो, तो भैया मेरे को जरूर टैग करना किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मेरे को बड़ी खुशी होगी। बाकी अगर आप लोगों को 22 का रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पार्टी वीडियो चाहिए, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी, मीटिंग लगी, तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।